एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि एक ड्रैगन के ऊपर एक बच्ची चढ़ी हुई है। जो ड्रैगन होता है वो उसका पिता होता है और हम देखते हैं कि एक भेड़िया जो घायल पड़ा होता है वो देख के वो छोटी सी लड़की नीचे आती है और उसकी तरफ जाती है। वो देखती है कि वो बहुत ही घायल होता है और ये देख के उसकी बेटी बहुत सैड होती है और उन्हीं अपनी मैजिकल हार उसे पहना देती है और वो उसे हील करने लगती है और उसकी जख्म पर भी अपनी मैजिक से उसे हील करने लगती है और धीरे धीरे वो भेड़िया भी ठीक हो रहा होता है। ये देख के रोज छोटी लड़की बहुत ही खुश हो रही होती है और धीरे धीरे करके वो ऊपर उठती है और देखती है कि वो हील हो रहा है भेड़िया, और ये देख के बहुत खुशी होती है और वो भेड़िया भी जल्दी से ऊपर आ जाते हैं और उसके पापा कहता है कि ये तो बच गया और वहाँ से अपने घर की तरफ चल देते हैं। जो छोटी सी लड़की थी उसका नाम होता है जिंग और वो घर की तरफ। और अगली सीन में हम देखते हैं कि एक यंग बॉय जो मछली पकड़ने के लिए आया होता है और वो देखता है कि उसकी हथियार में मछली नहीं आई और वो अपने हाथों से उसे पकड़ने लगता है और वो बहुत ही स्ट्रगल के बाद वो फाइनली उसे पकड़ लेता है। वो मछली को पकड़ के उधर जाता है और नीचे ज़मीन पे रख के प्रे करने लगता है कि थैंक यू गॉड फॉर योर सेक्रीफाइस कहता है और बहुत ही खुश होता है कि उसने एक मछली पकड़ ली। और उसी वक्त ज़मीन से एक बहुत ही बड़ी आकृति बाहर आती है जो स्टोन से बनी होती है, उसकी फेस भी स्टोन से बनी होती है। वो दोनों दोस्त होते हैं। वो ऊपर जो यंग लड़का होता है उसका नाम होता है बाई जिंग और वो स्टोन फेस पर्सन उसे बात करते हैं। वो दोनों दोस्त होते हैं और वो दोनों बहुत सारे बातें करते हैं और वो कहता है कि मैंने एक मछली पकड़ ली है बाइलिंग, और वो बातें कर रहे होते हैं और वो देखते हैं कि ये आकाश से बहुत तेज़ रोशनी उसके बाइलिंग के माउंटेन पर आ रहे हैं और वो ये देख के बहुत ही डर जाता है और जल्दी जल्दी से उधर से भाग के माउंटेन पर चले जाता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि माउंटेन में ड्रैगन फादर ड्रैगन किंग जो कि वो छोटी सी लड़की के जिंग के पापा है और वो दोनों बात जिंग के पापा और उसके बेटा बात कर रहे होते। वो कहता है कि उसके छोटे से बेटा कहता है कि बाबा क्या हम गॉड से लड़ सकते हैं और क्या हम उसे जीत पाएंगे, और उसके ड्रैगन किंग कहता है कि हम लड़ेंगे फिर भी वो भी अंजाम होगा हम देख लेंगे। और अगली सीन में हम जिंग कहती है कि पापा मैं भी आपके साथ लड़ना चाहती हूँ, मगर ड्रैगन किंग कहता है कि नहीं बेटी तुम यहाँ से भाग जाओ और हम इनसे लड़ेंगे। और अगली सीन में हम देखते हैं कि बाइलिंग भी वहाँ पर आकर कहता है कि मैं भी आपके साथ लड़ना चाहता हूँ और आपके साथ मरना चाहता हूँ। और ड्रैगन किंग ये सब सुन के बहुत हंसता है और कहता है कि तुम तो बहुत ही स्मॉल जानवर से भी नीचे हुए हुए एक इंसान हो, तुम हमारे क्या मदद करोगे। और अगली सीन में हम देखते हैं कि आसमान से गॉड नीचे आते हैं धरती पर और ड्रैगन किंग से बात करते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमें सूत्र दे दो तो हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और हमसे घुटने के बल टिक कर हमसे माफ़ी मांगो तो हम तुम्हारे जान को बख्श देने सकते हैं। और ये सुन के ड्रैगन किंग को बहुत ही गुस्सा आता है और ड्रैगन किंग और गॉड में लड़ाई शुरू हो जाती है। ये लड़ाई शुरू होती है और ड्रैगन किंग बहुत अच्छे से लड़ते हैं और लड़ते लड़ते वो घायल हो जाते हैं। घायल होते ही वो सभी गॉड उनके ऊपर हमला कर देते हैं साथ में और ड्रैगन किंग को कहते हैं कि आज हम तुम्हारे सर लेकर ही रहेंगे। और ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारे हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं खुद खुशी कर लूँगा, और ये कहते ही वो ब्लास्ट हो जाता है। ये देख कर उस ड्रैगन किंग के बेटा को बहुत गुस्सा आता है और वो आता है आगे हमला करने ड्रैगन किंग के साथियों, और ड्रैगन किंग के बेटा
बहुत ही गुस्से में होता है और गॉड की एक सेना को वो मार देता है। और अगली सीन में हम देखते हैं कि कमांडर के पास एक वॉइस आता है और वो वॉइस होती है एक लड़की की, जो कहती है कि ड्रैगन बहुत ही अच्छे से लड़ते हैं और हमारे आधे से भी ज़्यादा सेना ख़त्म हो चुकी है। और इसी के साथ ये एपिसोड फिनिश हो जाती है। हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या हम ड्रैगन की गॉड से जीत पाएगा और न कि नहीं। देखने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो और अगली एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होगी। थैंक यू वेरी मच, होप यू लाइक दिस वीडियो और बहुत ही प्यार दिखाना है आगे से। इस वीडियो में बहुत सी मिस्टेक हो गई, मैं बोलने में अटक गया और बहुत सी मिस्टेक हो गई, मुझे इस सभी के लिए माफ कर देना। थैंक यू, सी यू लेटर, बाय बाय।